मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 अगस्त 2022। चलिए नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दुनिया में पहली बार राजस्थान में सबसे बड़े ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश में 29 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि आज ही इसकी शुरुआत हो रही है। गांव-गांव और ढाणियों में होने वाले खेलों के इस महाकुंभ में 30 लाख से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण ओलंपिक को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। ओलंपिक खेल 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें ग्राम वासियों के लिए खेलों का महाकुंभ आयोजित होगा, जिसमें खिलाड़ी कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और क्रिकेट में अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीण ओलंपिक में 15 साल से लेकर किसी भी उम्र तक के 30 लाख से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन गांव, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 44,795 गांव और 11,341 ग्राम पंचायत और 352 ब्लॉक स्तर पर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दूं, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में छिपी खिलाड़ियों की प्रतिभा को तलाशने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिना किसी उम्र के बंधन में हर आयु वर्ग का व्यक्ति शामिल हो सकता है और इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में गोवंश में फैल रहे लंपी स्किन डिजीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से की है। इससे प्रदेश के भाजपा नेताओं से मदद का आग्रह किया है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रोग पर हुए संवाद के दौरान सीएम गहलोत ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर देश और प्रदेश के पशुपालकों को ज्यादा राहत मिल सकेगी। वहीं इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत से कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी और शराब से मिलने वाले शेष को 100% लंपी से मरने वाले गोवंश या दूसरे पशुओं के नुकसान के बदले पशुपालकों को अच्छा मुआवजा देने में इस्तेमाल किया जाए। वहीं कई पशुपालकों ने यह भी सवाल उठाए हैं कि पशु मेलों पर लगी रोक कब हटेगी, भविष्य में इसका क्या विकल्प होगा, उस पर भी विचार किया जाए। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। मानसून ने वैसे तो पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तकरीबन एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश के 18 बड़े बांध पानी से लबालब हो चुके हैं। हालांकि अभी भी 3 बांध ऐसे हैं जहां पानी की कमी है। फिलहाल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अब काफी कम हो गई। हालांकि छिटपुट स्थानों पर बादल बनते हैं और कुछ स्थानों पर मात्र 2-4 बूंदों वाली बरसात अब देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 7-8 दिनों के दौरान प्रदेश में बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। वहीं माना यह भी जा रहा है नया वेदर सिस्टम बनते ही सितंबर के महीने में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है, लेकिन फिलहाल 7-8 दिनों तक प्रदेश का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। एक और बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 10 महीनों के बाद हुए मुकाबले का रोमांच आखिर तक बना रहा। दोनों ही टीमें एक दूसरे को टक्कर देती रही, लेकिन जीत भारत के खाते में ही गई। हार्दिक पांड्या ने आखिरी 6 गेंदों पर बाजी पलट और सिक्स लगाकर मैच को खत्म कर दिया और इसी के साथ इस मैच में भी भारत की विजय हुई। एक और बड़ी खबर, राज्य सरकार ने जैसलमेर जिले के रामदेवरा तीर्थ के वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट देने का निर्णय किया है। सीएम गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह छूट मेला अवधि 29 अगस्त 2022 से लेकर 10 सितंबर 2022 तक यानी कि कुल 13 दिन रहेगी। आपको बता दूं, मेले में आने वाले यात्री वाहनों में 10 दिवस की अवधि के लिए देय कर लगभग 17,000 रुपए प्रति वाहन होता है। अब सीएम गहलोत की स्वीकृति के बाद यात्री वाहन संचालकों से मात्र 6,500 रुपए ही लिए जाएंगे। यह राहत दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए है। तो यही थी आज की बड़ी खबरें। आवाज में आज आपको कुछ बदलाव लग रहा होगा क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते ऐसा हुआ है। जल्द ही इसे दूर करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।